नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो डाक विभाग भर्ती 2021 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप इसमें कब से आवेदन कर सकते हो और कब तक आपको आवेदन करना होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने 10वीं 12वीं पास किए हुए हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी सीधी भर्ती होने वाली है, इसमें आपका ना ही परीक्षा होने वाला है और ना ही इंटरव्यू होगा। ये आपकी जो भर्ती होगी सीधी मेरिट बेस पर आपकी ये भर्ती होने वाली है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपको 10वीं 12वीं पास होना चाहिए तो इसमें आप आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया जो आपकी आई हुई है इसमें आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, तो हम इसका आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी बताने वाले हैं इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई हुई है एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाए। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नहीं है तो फटाफट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि हमारी आने वाली अगली सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम आपको इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर दिखाएंगे और आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी बताने वाले है। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें जो भारतीय डाक विभाग की ओर से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट या इंगेन के, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर से नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एंड स्टेज सेकंड में आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, और स्टेज थर्ड में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इसका नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हो छत्तीसगढ़ एंड केरला सर्किल साइकिल थर्ड नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यानी कि आपकी छत्तीसगढ़ और केरला में वैकेंसीज आई हुई है GDS की, यानी कि आप GDS में अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट आई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट है यहाँ पर देख पाएंगे, इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट आई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपकी छत्तीसगढ़ में आपकी जो टोटल पोस्ट आई है 1137 आपकी छत्तीसगढ़ में पोस्टें आई हुई है, जबकि केरला में आपकी जो पोस्टें आई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो, केरला में आपकी पोस्टें आई हुई है 1421 पोस्टें आई हुई है केरला में। एंड आप यहाँ पर से इसका इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, केरला सर्किल के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट है, स्टार्टिंग डेट आपकी हुई थी 8 मार्च 2021 एंड एंड डेट इसकी क्या है, तो फ्रेंड्स 7 अप्रैल 2021 तक इसमें आपको अप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपका छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हम यहाँ पर से आपको डाउनलोड कर दिखाने वाले हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है जो इस प्रकार है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर भी लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ पोस्टल GDS साइकिल थर्ड नोटिफिकेशन 2021, इसका PDF डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो आपका यानी कि टाइम रिलेटेड यानी कि आपकी जो सैलरी की बात करें तो इसमें आपका सैलरी होने वाला है 12,000 रुपये पर मंथ होने वाला है आपका मिनिमम सैलरी है, ये आपका होने वाला है BPM के लिए। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मिनिमम यानी कि टोटल टोटल आपका होने वाला है इसमें आपका 14,500 रुपये होने वाला है, जबकि ए बी पी एम के लिए इसमें आपका यानी कि डाक सेवक के लिए इसमें 10,000 रुपये आपका वेतन होने वाला है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एज फॉर द पर्पज ऑफ इंगेजमेंट टू GDS पोस्ट शैल बी 18 to 40 years, यानी कि आपकी एज इसमें 18 से 40 ईयर के बीच होनी चाहिए। यदि आप 18 या 40 के बीच बिलोंग करते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि इसमें आप यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें जो आपको एज में छूट मिलने वाली है, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए इसमें आपको छूट मिलने वाली है 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, जबकि अदर बैकवर्ड क्लासेज को इसमें 3 ईयर्स की छूट मिलने वाली है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इसमें 10 ईयर्स की छूट है, जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC के लिए इसमें 13 वर्ष की छूट है, जबकि पर्सनल विद डिसेबिलिटी PWD प्लस SC ST से जो कैंडिडेट है जो डिसेबल्ड है यानी कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको 15 ईयर्स की छूट मिलने वाली है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो बात आती है, तो आप सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीज एट कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप मान्यता प्राप्त होने चाहिए, यानी कि आपके पास 10th पास होना जरूरी है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका जो नेम ऑफ द सर्किल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें आपका आंध्र प्रदेश के लिए इसमें आपकी जो
होनी चाहिए भाषा तेलुगु होनी चाहिए, असम के लिए इसमें असम आपकी इसमें भाषा होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। एंड अब यह बात आती है आप इसमें कब तक अप्लाई कर पाएंगे और कब से अप्लाई करना हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको अप्लाई और कब तक करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो छत्तीसगढ़ पोस्टल ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। नेम और ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड की डीओपी के लिए वैकेंसी आई हुई है, एंड नेम ऑफ द सर्किल छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल के लिए वैकेंसी आई हुई है। एंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं जीडीएस सेल 112 छत्तीसगढ़ वीआई 2020 सर्कल 3 के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी नेम ग्रामीण डाक सेवक भर्ती आपकी आई हुई है, टोटल वैकेंसीज 1137 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की ओर से ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, जबकि यहाँ पर आपको अप्लाई और कब से करना होगा, तो फ्रेंड्स 8 मार्च से आपको 7 अप्रैल 2021 तक इसमें आपको अप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर जो इसके ऑफिशियल लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए इसमें 464 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 29, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 124, ओएससी के लिए 149 और एसटी के लिए 326, जबकि पीडब्ल्यूडी यानी कि आपको 12 वैकेंसीज है। एंड पीडब्ल्यूडी बी के लिए इसमें 11 वैकेंसीज, एंड पीडब्ल्यूडी सी के लिए 11 वैकेंसीज, एंड पीडब्ल्यूडी डीई के लिए आपकी इसमें 11 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज आपकी इसमें 1137 वैकेंसीज हुई। और आप यहां पर देख सकते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बता चुके हैं, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास अवश्य होना चाहिए। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पे स्केल की बात भी आती है, तो इसमें आपका पे स्केल भी हम आपको बता चुके हैं। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस की बात आती है, तो 100 रुपये इसमें आपकी फीस होने वाली है प्रत्येक कैंडिडेट के लिए, ओबीसी एंड जनरल के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए, एंड अदर के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं होने वाली है। जबकि आपका सिलेक्शन प्रोसीज की बात आती है, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीज मेरिट बेस पर होने वाला है। अब बात आती है आपको कैसे अप्लाई करना होगा, आपको इसमें सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर से जाकर आपको क्या करना होगा, इसमें इन ए होम पेज क्लिक ऑन अपॉर्चुनिटीज लिंक गिव एट द बॉटम एंड नाउ अगेन क्लिक ए डाउनलोड लिंक डिस्क्राइब्ड एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा जो आपको केयरफुली पढ़ना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको फिल द नेसेसरी डिटेल्स लाइक कैंडिडेट्स नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स फादर्स नेम एज पर द क्लासी सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर एंड आपका जेंडर, कम्युनिटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी टाइप एंड परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज, स्टेट नेम एंड बोर्ड नेम, इन विच 10th क्लास पास, ईयर ऑफ पासिंग एंड क्लास एग्जाम, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर ऑफ 10th क्लास, ETC आपको इसमें भरना होगा, अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर एंड अदर सर्टिफिकेट टू गिवन स्पेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड डो नॉट फॉरगेट द रिचेक द फील्ड अप इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, एंड फाइनली प्रेस द सबमिट बटन एंड ए प्रिंट कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड केयरफुली। तो फ्रेंड जो इसकी ऑफिशियल लिंक है वो आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।